All bets on sports. What is bet? Huge winnings. What is bet? High odds. What is bet? Fast pay. What is bet? What is bet? Bookmaker Company. सांता क्लारा और फिर एक झुलसी हुई बूढ़ी औरत ने उसे हर जगह तलाशा पर वो नहीं मिला। मैंने कर दिखाया, मैं सफल रहा। अब मौत हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। पर जल्द ही उसे मौत के झांसे के बारे में पता चल गया। और फिर क्या? प्रोफेसर मार्लेथ मेरे हीरो, उसने मौत को बेवकूफ बनाया और उसने अपने परिवार को नहीं खोया। अरे नहीं, यही तो गड़बड़ है शर्मिता। समझो, जब मौत ना आई तो सब बहुत बीमार पड़ गए। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुशी से नाच उठती अगर माँ पापा जिंदा होते। हाँ, शुरुआत में सबने यही सोचा था और सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होगा। जब शहर में सब रोगी बन गए और बुरा हो रहा था पर उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। एंडलेस लाइफ कुछ नहीं होती। मार्लेंट ने नेचुरल ऑर्डर को तोड़ दिया और उनके परिणामों के बारे में नहीं सोचा। इसके लिए उन्हें जेल में बंद होकर बहुत बदनामी झेलनी पड़ी, जहां कभी कोई खोज नहीं पाएगा। इस बीच सांता क्लारा निवासियों को पता चला कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हो और वो अपने शहर लौट जाते हैं। आमतौर पर लोग एक फरसे वाली बूढ़ी औरत का स्वागत नहीं करते, पर वो दिन अलग था। सबने उसके रिसेप्शन की तैयारी की थी। मौत इस जीत से काफी खुश थी। सबने उसकी सम्मान में सेलिब्रेशन किया और इसे उसकी नदी में बारिश हुई। अपने शहर को एक कीमती गिफ्ट देने का फैसला किया, एक आवर ग्लास। आवर ग्लास? और वो क्या करता है? उसकी बदौलत जो लोग अब हमारे साथ नहीं, पूरे दिन भूत की तरह हमारे आसपास लौट सकते थे। हाँ, साल में एक बार इस छुट्टी पर हम किसी को भी मृत कह सकते हैं। ओह, मेरे मॉम डैड भी मेरे पास आ सकते हैं। मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ? उसके लिए आल्टर तैयार करना जरूरी है। दो नंबर हमारे गांव में डे ऑफ द डेड मानते हैं। क्लियर, एक शो की तरह, प्लीज। पूरी तरह से भूल गए कि दादी क्या कहती थी सेल्मा को कभी? आल्टर नहीं लगाने दी, ऐसा नहीं है कि ये बुरा होगा।
पर क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। पेड्रो, मेरी दादी पर हंसो मत। हाँ, क्या बात। हाँ चलो करते हैं। लेट है क्या? दुनिया से जा रहे हैं। सूरज डूबा नहीं है, शायद वो वेटिंग रूम में है और भूत प्रेत कस्टम में। मुझे पता है आने के लिए यहाँ उनका कुछ डालना जरूरी है। ओह, और जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। दादी के यहाँ मैंने पॉच पर भी ढूंढा, टोकरी में भी, पर एक नोट भी नहीं था। टोकरी में, गंदे डायपर के ढेर में, भयानक। पर अगर दादी अभी भी कुछ बचाए हुए हैं, तो वो शायद इसे ट्रंक में रखती है। ओह, अरे ये मेरे मॉम डैड हैं। सच में? एक चाइनीज ड्रैगन वाला बैग। पर खैर देखते हैं, अचानक सब बदल गया। कैसे कि एक ड्रैगन है, बक्से वाला। शांत, मैं निपट लूंगा। यार्ड में खेलते हैं, कुछ भी नहीं बेवकूफ भाई। दादी प्लीज गाली मत दो, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सलमिता आओ, प्रतीक्षा करें। बताओ क्या सोच रहे थे? मैं वास्तव में अपनी माँ और पापा को देखना चाहती थी। आप इम्पॉसिबल चाहते हैं जबकि अन्य इसके लिए पीड़ित हैं। मुझे अपने परिवार के बारे में और कैसे जानना चाहिए? हमारे पास तुम्हारा परिवार है, पेट्रो और जॉर्ज। तुम्हें और किसकी जरूरत है? दादी मुझे माफ करना, पर आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आप नहीं जानते कि किस खेल को खेलने का फैसला किया है। तुम्हारा मन आत्माओं को जगाता है, बच्चे का खेल है। यहाँ ऑल्टर लगाने का हिम्मत नहीं, कारण समझे सलमा? अभी नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। दादाजी, दादाजी
जी मुझे फिर से दिखाओ मार्शल से फोकस करना। आइए देखते हैं कि क्या पुरानी हड्डियों में भी अभी तक जीवन है। ऐसे ही हाँ यही तो है। साल बाद गुड मॉर्निंग सेल्मा, शायद आज तुम्हारा दिन है। में टॉप किया है, थैंक्स लड़कियों। गलत बात, लो ये तुम्हारे लिए ऑल्टर है, मेरी दादी को पसंद है। आओ मुस्कुराओ। आराम से सेनोरिता, आप डर तो नहीं गई? क्या मतलब? नहीं नहीं, बस पानी ही तो है। माफ करना सेनोरिता, मैंने एक हिंसक बैल से बचने की कोशिश की, वह पट्टा से टूट गया, उसने मेरा लगभग सारा माल उड़ा दिया। वाह, ये क्या है? यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम्हारी तकलीफ और अगली बार के लिए। ये देखिए एक दूरबीन, आप सितारों की गिनती कर सकते हैं या महल देख सकते हैं। या एक रहस्य, प्राचीन मेडलियन, अलादीन की गुफा से ज्यादा रहस्य है इसमें। अरे हाँ, यह सियाबा का पेड़ है, लोग मानते हैं कि यह असली दुनिया को मरे लोगों की दुनिया से जोड़ता है, और इसका एक वजह है एक अद्भुत प्रेम कहानी। शायद इसे मैंने देखा था। सेल्मा, सेल्मा, सेल्मा। अरे नहीं, अगर दादी ने मुझे यहाँ देखा तो मैं हल्दी हो जाऊंगी। थैंक्स। अरे थैंक्स की क्या बात। निकलो डरपोक। ओ ये ले निकम्मे। अरे तुम तो इतने बड़े हो गए। हाँ एडल्ट हो गया हूँ मैं। देखो मेरे पास क्या है। प्लेग। अरे वाह क्या बात है। मैंने सुना है कि एक जादुई प्रेम कहानी से जुड़ा है। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारे मॉम डैड, तुमने फैसला क्यों किया? ये महल का प्रतीक है। मॉम डैड के बारे में कुछ भी जानने के लिए मैंने पूरे शहर में खोजा, केवल एक जगह में नहीं गई, और वो ये महल है। अरे वहाँ तो बच्चे स्मोकिंग करने जाते हैं।
अचानक ही ऊपर वाले का इशारा है, स्वर्ग से संदेश। ये एकमात्र जगह है जिसे मैंने अभी तक तलाशा नहीं है। ये मेरे मॉम डैड की ओर जाता है और ये जानने का केवल एक ही तरीका है। वो क्या? अब तुम एक और अल्टर बनाना चाहती हो? मैं सोने चला। नहीं, सोचना भी मत। भूल गए पिछली बार दादी के यहाँ गए थे जब? पर वो 10 साल पहले था। आओ बॉयज, मेरी मदद करो। जानते हो ये मेरे लिए कितना जरूरी है। वादा करती हूँ फिर कभी तुमको इसके बारे में नहीं कहूँगी। एक बार के लिए बस बॉयज प्लीज। ठीक है, कहाँ रखेंगे? नहीं हूं, वह खुद है। कौन कमबख्त एक जगह नहीं मिल सकती है। मैं इस मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और उसे भी जानना है जिसे मैं चाहती हूं। अच्छा, आप कब एक कॉज चुनेंगे? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपने मॉम डैड की ऑल्टर कब रखते हैं? बस ये मत कहो कि आप उनके बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। हाँ, हमने उस साल प्लान बनाया था, है ना पेड्रो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, क्या सब सुन सकते हैं? स्वागत है आप सभी का हर साल की तरह मरे लोगों के दिन का सेलिब्रेशन धूमधाम से हमारे साथ मनाने के लिए। भाइयों, काफी शोर कर रहे हो। खैर, शांति शांति। तो मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे मरे हुए लोगों के सम्मान में इस शानदार सेलिब्रेशन के शुरुआत की घोषणा करने का बड़ा सम्मान मिला। इतने सालों बाद दादी ने मेरी सुनी। हमारी ऑल्टर इतनी बेटर बनेगी, किसे पता था। तो तैयार हो? हाँ, हवा के साथ। ध्यान से, ये क्या, ये क्या? नहीं, ये कैसे हुआ? फिर से ये कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ सेल्मा। नहीं, मेरा पूरा जीवन मॉम डैड की तलाश करने के लिए नहीं है। मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ जॉर्ज। सब परिवार के साथ मानते हैं और मैं अकेले। बेबी, हम भी तो। कैसे? यहाँ हम गलत हो गए। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं है। पर आप दोनों, तुम्हें मॉम डैड याद है, तो क्यों ना उन्हें ऑल्टर पर लाया जाए उन्हें देखने के लिए। मैं आपको नहीं समझ पाती। सेल्मा, मैं ऐसा नहीं कहती। चले जाएं। मुझे पता था तुम। सेल्मा, सेल्मा, ओ तुम कहां
वापसी हो। मैंने तुमसे कहा था, मैंने महल छोड़कर हर जगह देख ली है। और क्या अब वहाँ जा रही हो? आना है तो मेरे साथ चलो। तो ये बात है, दुस्साहस देशद्रोह का अच्छा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतने सख्त हो तो भूख हड़ताल करो, वो भी रात के खाने से पहले। देखते हैं तब कैसे सुर बदलते हैं। घुटनों पर माफी मांगोगे पगलेट। अब मैं यहाँ बैठता हूँ और कम से कम उठना नहीं होगा, चाहे मार डालो। बहुत मुंह फुला लिए पेड्रो, अब जरा चप्पू मारने में मेरी मदद करो। अरे यार देखो, मेरी जाने की इच्छा नहीं, और आमतौर पर चप्पू मारना मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ कमजोर हैं, पर पैर नहीं। डरपोक हो क्या? और कौन पहले ही परेशानियों से भाग रहा है? हाँ, अच्छा है। बॉयज, मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में काफी सुन लिया। नहीं सेल्मा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो, यंग लेडी को उदास नहीं करते। हाँ, ठीक है, जरूर। दादी से माफी मांगना जरूरी है। और तुम क्या देखते हो? सुराग पेड्रो, अहम सवाल का जवाब। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन थी। हाँ, यह बड़प्पन का नतीजा है। मैं एम्बा संग डिनर कर रहा होता और क्लब में उसके साथ डांस करता, पर नहीं। और कब मैंने हार मानना सीख लिया? पेड्रो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी इन बातों को नजरअंदाज करता हूँ। यह कैसी सोच? तुम मेरे डैड नहीं हो। यहाँ खुद कहा होगा कि तुम आंसू बहाओ, पर कभी कभी तुम्हें अन्य लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता, इसे मुझे दो, मैं आगे बढ़ूंगा सबसे बहादुर के रूप में। पेड्रो, तुम अब से आ नहीं हो। देखो, डरपोक मिल गया। मकड़िया, मुझ पर हमला हुआ, बचाओ। अबे साले, गैस मारता है। माफ करना, मेरे अंदर से बीन बज रही है। जॉर्ज, देखो, पेड्रो ने दरवाजा ढूंढ लिया। बहुत खूब किया पेड्रो। अरे ये क्या, क्या तुमने देखा? अरे ये क्या है? और मुझे कुछ महसूस हुआ। चिपचिपा। नहीं, सांप! मुझे डसा, मुझे सांप ने काटा। मैंने तो वाइपर देखा। मैं मर जाऊंगा, जहर निकालो प्लीज। जहर? मुझे मत हंसाओ। अंधेरे की आंखों में और पैर महसूस नहीं कर। जहर की तो तुम हिल भी नहीं सकते थे। भाषा सुन। बेहतर महसूस करना। तुमने मुझे पीटा इसलिए? हाँ, ऑब्सेशनली। हेलो छोटू, डरो नहीं, पुसी कैट है। हाँ, और इससे डर के ये भजन रो रहा है। तुम जिंदगी की कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं हो। ये कॉमेडी थी लोगों के लिए। ये लो देखो। और आप यह स्लग क्यों चाहते हैं? ये बिल्ली बड़ी नटखट है। तुम्हारी बीन्स की स्मेल है यार, ये हथियार बहुत काम आएगा। पर वो रास्ता जानता है। सोचो, ऐसी अनोखी परियों की दुनिया और हमारे इतने करीब, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वाह 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 वाह, ये रोमांचक होगा। बस ये घिनौनी मक्खी। हाँ, मुझे ये अच्छी लगती है। तुम पकाऊ हो। खबरदार,
यह एक जाल हो सकता है। रुको, इतने डरपोक हो तुम पेड्रो, और वैसे मुझे तो कोई जाल नहीं लग रहा। भाई तुम्हें पता है क्या, लड़की को फैसला करने दो। थैंक, हाँ तुम डरपोक नहीं हो, और की तरह नहीं। क्या तुमने सुना? हाँ, वो क्या है? एक मिनट रुको और ये किताब देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सेल्मा सुनो। मैंने मॉम डैड को देखा। तुम ठीक तो हो ना? तुमने हमें डरा दिया। लकड़ी चलावा, मुझे मेरा पैसा वापस दो। ये क्या था? पता नहीं, मैंने उस पुरानी बुक को देखा और फिर कुछ भी याद नहीं है। और हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, हमें पता लगाना होगा। क्या हम फिर से इस बीटल पर जा सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बिल्कुल पागल हो, ये वापस जाने का समय है। वापस घर जाएं और सेल्मा को छोड़ दें। हम फैमिली हैं। ठीक है, पर मुसीबत आए तो याद रखना मैंने चेतावनी दी थी। कदम देखो। वाह, और यह कौन सी जगह है? नहीं हो सकता। क्यों? आप सब नहीं कर सकते। कुछ अमित्र हैं। शायद यहाँ से निकल जाना बेटर है। मैं किसी को भी कहीं जाने नहीं दूंगी। और ये क्यों नहीं समझता है? मुझे केवल अपना पूरा जीवन सुनना है। मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकता। फिर से ऑल्टर इम्पॉसिबल है। मॉम डैड नहीं मिलने वाले। महल भी इम्पॉसिबल है। माफ कीजिए, ये अपने आपे में नहीं है। बचपन से फिर से तेजी से पैर बनाते हैं। देखो कुछ राग। हाँ, चमकती एड़ी। हटो सेल्मा, ये आदमी का काम है। कैसे किया? अच्छा, तुमने देखा है? हो गई। धन्य कटलफिश, आप एक चुड़ैल हैं। नहीं पेड्रो, ये सब जादू की किताब है। दोस्तों, शायद यही तीखी बीन सूप मारती है। यह क्या है? आओ, वहां एक प्रमुख
कुछ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ मिला? क्या दिग्गजों को हराने के बारे में है? क्या वो थूक है? क्या वो थूक है? और तुम जा रहे हो? माफ करना चानिया, सबसे पहले लौट आएंगे। हालांकि अब मुझे और इस तरह की पसंद ये हरा। ठीक है, जब तक हमने खींचा है हमें कार्य प्लान चाहिए। नहीं, और इसकी जरूरत क्यों है? नहीं पेड्रो, रुको, मैं सर से लिपट गया और अब मेरी बारी है। छोड़ दो। तुम्हारी मुझे एक सेकंड। Hasta la vista, baby. मेरी ब्रोकली डिले, मैंने गलती से खिलौना ले लिया। बिल्कुल काम है। सहमा जल्दी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। मेरी मॉम डैड, मैं उनके मॉम डैड के पास लौट सकती हूँ, वॉइस में कर सकती हूँ। पेड्रो, नहीं। पेड्रो, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उन्हें नहीं बचाया। दूरी मुझे ऊंची लहर ले जाती है, रात शांति नगियों से भरी। और नाव वाला कहां जाता है? सूर्य का अस्त होना, निश्चित मौत के रास्ते पर। हम चलते हैं। तुम कवि हो? तो कवि क्या है? आप देखते हैं कि क्या सुंदर चक्र। अरे नहीं, टॉचिंग गिम्बी। मुझे ये पसंद है। मैं इस जगह के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मर चुका हूँ। हम पहले ही मर चुके हैं। वो। शानदार जगह है और हमें सेल्मा की मदद करनी चाहिए। और मस्ती का क्या? वे हमें भस्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
वैसे भी हम कहाँ हैं? नमस्ते लड़कियाँ, क्या मेरे पास सिर्फ एक मिनट है? क्या तुम सिर्फ मुझे नहीं सुन रही हो? माफ करना, पर यहाँ से सांता क्लोरा को पाने के लिए नमस्ते, और आप नहीं कर सकते? अच्छा, कृपया मुझे बताएं कि मैं कहाँ हूँ? एक कंकाल के आसपास। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, कम से कम कोई मदद करो। सुसंध्या, क्या आप बता सकते हैं कि घर कैसे मिलेगा? हमारा बहुत स्वागत था। अरे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में खुशी होगी। आप अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। हाँ जरूर, पर गतिरोध नहीं। पर अगर आप आठवीं स्ट्रीट पर जाते हैं और पुल पार नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, तो ये ग्रेव्स एवेन्यू पर जाता है। और अगर 20वीं स्ट्रीट नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। हाँ, पर स्कैल्फॉक्स संस्था हड्डी ममीजियों के लिए अग्रणी और एक मृत एंड है। आप हमेशा मेरे साथ बहस कर रहे हैं, बस। नहीं, आप नहीं, प्लग इन। यह बिल्कुल रैली है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। नमस्ते, मुझे पारी का एंड मिल गया है, पर मैं शुल्क के लिए आचरण कर सकता हूँ। लानत है। चुप रहो, डरो मत। सुना है आप घर की राह देख रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कोई हमारी मदद कर सकता है। मेरे पीछे। मैंने हमेशा दूसरी दुनिया के बारे में सोचा, कुल अंधकार और फिर सब कुछ जेवन को। और कितनी तितलियाँ। करना जीवन भर हो सकता है, पर सुना नहीं वो नीचे तक गिर जाएगा। तुम कौन हो? इस सवाल के जवाब ने लंबे समय तक अपना अर्थ खो दिया है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा दिलचस्पी ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आप प्रभावित नहीं हैं। बच्चा देखो, मुझे पता है कि मुझे लूट लिया गया। मैंने सब कुछ खो दिया, पर मैं दोषी हूँ। कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो उन्होंने किया है, और अब वो नहीं है। मुझे पता है तुम क्या महसूस करती हो। रातों की नींद आराम और सोचा कि आराम नहीं करता, पर वास्तव में वही कर पाया जो कर सकता था। मैंने सब कुछ आजमाया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे? मैंने इसे पढ़ा है और तुम्हें दिखाऊंगा कि उन लोगों को कैसे लौटाया जाए जो तुम्हारी तलाश में हैं, और यहाँ तक कि जिन्हें तुमने हाल ही में खो दिया है। आप कैसे जानते हैं कि मैं किसी की तलाश में हूं? मेरे बच्चे की तलाश में सभी। मैंने हर जगह खोजा, मैंने मरे लोगों के दिन भी उनकी वजह का प्रयास किया, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दुख पीछे छोड़ हम किसी को भी वापस करने में सक्षम होंगे। हाँ, पर कैसे? तुम ढूंढ लोगे, पर पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ इन चप्पों को याद करो। नुक्ताल एव मेरे पीछे आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? जवाब के लिए खोजो। जवाब है कि तुम बहुत लालसा करते हो। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ साहब, हम जा रहे हैं। मुझे मरे हुए लोगों के दिन, कॉल और रिश्तेदारों के बारे में बताओ। वाह, एक तितली बोल रही है। यह जादू है? नहीं साहब, यह तितली नहीं है, और यादें, परिवार और दोस्तों से बिताए अनमोल अविस्मरणीय पलों पर। जब भी हम में से कोई एक जिंदा याद करता है,
स्मरण एक तितली में बदल जाता है और यहाँ उड़ जाता है। वे हमें जिंदा दुनिया में ले जाते हैं और यह साल में केवल एक बार होता है, मृतक के दिन। वैद्यों को याद रखना क्यों जरूरी है? आप मेरे पास हैं और हमारे पास एक तितली है, इसलिए हम परिवर्तित हैं रिश्तेदारों से मिलने। मैं माफी प्रार्थी हूं, मेरी अपेक्षा के पीछे जल्द ही आ गया। मैं अपवित्र नहीं होना चाहता, पर मुझे जाना होगा। एडियोस। रुको, हम कैसे वापस आएंगे? पेड्रो, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। कंकाल खाने का तरीका जानते हो ना? बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे तितलियाँ पसंद हैं। वो मरे हुए लोगों को जिंदी दुनिया में लाती हैं। हम वापस मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रिप पर जाओ, तितलियाँ पकड़ो। शायद तुमने मुझे ठीक से समझा नहीं है। मीटिंग में तुमने कहा था कि किसी प्रियजन को खो दिया है। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? कभी कभी एक ताबूत में सिर्फ दो दिल होते हैं। मुश्किल होता है जब आपके बजाय फरसे वाली बुढ़िया आपके चाहने वालों को ले जाए। मेडालियन, हम लगभग वही हैं। लोग पहुंच गए। हम महल में हैं, द्वीप पर। यहाँ हम हैं। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वो नेक थे और शक्तिशाली भी थे। क्या कह रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ? हकीकत ये है कि केवल एक मजिशियंस की बेटी वर्तनी पुस्तक को पुनर्जिंदा कर सकती है। वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। पर तस्वीर, दादी, ये है, ये वो नहीं है। दादी, कितना प्यार है। ये दादी, तुम्हारी दादी। नहीं, मुझे पता है, इसने मुझे आश्चर्य दिया क्योंकि मैं एक संस्थापक हूँ। पेड्रो, नहीं, केवल उसकी तितलियों को पकड़ना जरूरी है। अपने हाथ पर चिल्लाना मत, मैं लगभग पकड़ा हुआ था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तितलियाँ गायब हैं। पेड्रो, चलो भाई, हम यहाँ से चलें। उन्हें अभी जाने दो या तुम मेरे दूसरे समय में मर जाओगे। तुम नहीं समझते, उनके बिना मैं घर नहीं जाता। ठीक है, खैर, उसे पकड़ो। किस तरह की फ्लाइट किसी और कैसी?
पेड्रो, तुम उसे तितलियां देते हो। यहाँ एक और है, उनसे हम यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। तो अब हम टेक ऑफ कर पाएंगे। और ये रहा टाइमर, ये दो और ये तीन, ये चौका है, ये छक्का। आप पांच भूल गए। तो ये लो। अभी तुम्हारी गिनती ठीक होगी। एक तरफ आ जाओ। बॉस कहता है आप एहसान फरामोश हो। वह यह भी जानता है कि लड़ाई किसने शुरू की। यह स्किनी पेंट है। पेड्रो, तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। कैसा बेवकूफ सवाल है, मैं क्या टेलीपैथ हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसके बूट्स देखो, कपड़े और मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये वास्तव में है। बॉयज डैड, क्या सेल्मा, मेरे बच्चे। मैं किसे देख रहा हूँ? सारा मार लेने। अरे क्या ये सही टाइमिंग है? तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सेल्मा मेरे साथ आओ, यकीन मानो ये एक शब्द नहीं है। 15 मिनट बाद उन्होंने मुझे तुमसे 16 साल ज्यादा कहा। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में चुप रहना बेहतर होगा। मेरे मॉम-डैड है, दादी, हाँ या नहीं? सच तुमसे छिपाने की और कोई वजह नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे मॉम डैड हैं। वो शक्तिशाली मैजिशियन थे और ये महल उनका घर था। एक दिन तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। तुम्हारे डैड ने उसे बचाने की कोशिश में सब किया पर काम नहीं बन पाया। तभी उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई। वो उस अमरता के बारे में जानते थे जिसे मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। यहाँ मार्लेटू ने तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। वो तुम्हारे मॉम डैड के रहस्यों को चुराना चाहता था। गुप्त ज्ञान जो उन्होंने रक्षा करने की शपथ ली थी। प्रामिडों की दीवार में संग्रहित सदियों का प्राचीन जादू तुम्हारी माँ को बचाने का यही एक तरीका था। एक मंत्र जो उसे मौत से छिपा सकता था। हमारे शहर के लिए एक झुलसी लेडी को भेजा गया ताकि हम मौत से छुटकारा पा लें। पहले सभी ने सोचा तुम्हारी माँ कितनी खुशकिस्मत है, मौत से बच गई। हालांकि उसने जीवन चक्र को तोड़ दिया और ग्रिप रीपर के पीछे शहर चल दी। उसने मंत्र हटा दिया। हाँ, तुम्हारी दादी डोना सारा ने हमें धोखा दिया है। मौत तुम्हारी माँ और तुम्हारे डैड को ले गई। बहुत बुरा हुआ। मौत क्रूर और अंजय है। मरने का समय अभी तक नहीं आया है पर मेरी किस्मत मौत से भी बुरी थी। मुझे वहाँ के कारावास के लिए बर्बाद किया गया था जहाँ कोई भी मुझे नहीं मिला, पर आज तुमने उसे बचा लिया। ये सब होने पर मैं कहाँ थी? उसे सच बताने दो। सेल्मा, समझने की कोशिश करो। दांव पर क्या था इसलिए मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए पाला। मैं कहाँ थी? तुम्हारा जन्म ऑपरेशन से हुआ था, याद है? तुम्हारी माँ तभी खत्म हो गई थी। तुम इसके बावजूद दुनिया में आई। अगर तुम्हारी मौत होती तो तुम अपनी माँ के साथ चली जाती। तुम्हें बचाना ही एक रास्ता था, इसलिए तुमको मैंने छिपाया। यही वजह है कि मैंने सभी से कहा तुम्हें पोर्च पर फेंक दे। यही वजह थी कि तुम ऑल्टर पर मॉम डैड को नहीं बुला सकती थी। अगर वो तुम्हारे पास लौटते हैं तो वो झुलसी हुई बूढ़ी औरत जाग जाएगी। कहने का मतलब, प्यारी सेल्मा,
तुम्हें जन्म नहीं लेना चाहिए था। तुम मेरे मंत्र की वजह से जिंदा हो। अब बताओ कि हम में से कौन राक्षस है। सेल्मा, केवल एक अल्टर तक ही सीमित क्यों हो? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे सुझाव दे। पर कब क्या नहीं करते और अपनी स्वतंत्रता दिखाते हैं? चुप रहो। ये क्या है? अपने संचित क्रोध में उसे एक रास्ता दो, तब तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम क्या कर सकते हो। समझे? तुम उन्हें हमेशा के लिए वापस पा सकते हो। मीशा, आखिरकार तुम एक अद्वितीय चुने गए हो। तुम दोनों दुनिया की राजकुमारी हो, जिंदा और मरे हुए लोगों की। मम्मी पापा, मेरा दिन आ गया है। अपना सार लो। और अब हम न्याय बहाल करेंगे। हम किसी को न भूल कर एक विशाल अल्टर बनाएंगे। विशाल अल्टर अपने मॉम डैड के लिए और भोली हुई आत्माओं के लिए। वो डे ऑफ द डेड चाहते थे तो उन्हें यही मिलेगा। उन सभी के बाद जिन्हें हम लौटाते हैं हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा, मैं सब कुछ समझा दूंगा। कृतज्ञ बच्चे, हमें बढ़ना है, तुम्हारा ख्याल रखना है। फिर वे बॉक्स में खेले और तुमने हमें अल्टर के पास भी नहीं रखा। इतने सालों से हम तुम्हारी माँ के पंखों में इंतजार कर रहे हैं और उस पूरे समय में केवल दो दुर्घटनाएं हुई। यहाँ उसकी राख है। शांत, काफी पहले से ही बकाया है। मुझे एक क्षण के लिए उनसे अकेला छोड़ दो और पर्याप्त पहले से ही अपने दोस्त और अनुवादक को ले जाएगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और वो आवाज सुनना चाहती हूँ। मुझे प्यार हो गया। बाहर निकलो। हनी, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इसे उद्देश्य से कर रहा हूँ। बॉयज को देखने दो कि मैं बड़ा आदमी हूँ। ऐसे क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि बॉयज अभी भी जिंदा हैं? आप उन्हें देखो, वो यहाँ नहीं हैं। वह बुद्धिहीन खोपड़ी है। तुम सही हो, लड़की की तरह हाथ। हाँ, शायद और दोपहर तक सोते हो। भागो मत, स्क्वाट मत करो, मरोड़ मत। वजन और डंबल का कोई मुकाबला नहीं। एक घंटी बढ़ती है, कहाँ दबाया गया पंप? तो यहाँ है ये। यह झिरकोव के नीचे छिप गया। कारमैन, मैंने तुमसे कहा था कि डोना सारा उसे मिटा देगा। और तुम्हें आश्चर्य है कि उन्होंने हमें मरे लोगों के दिन नहीं बुलाया? आप उन्हें सैनिकों के रूप में पहचानते हैं? वे तुम्हारे बच्चे हैं। इसे देखना चाहिए। बनी, मम्मी के पास आओ। माँ, हम बहुत ऊब गए हैं। नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा जी।
उनका कहना है कि जेल में गैर मौजूदगी की वजह पैरस्तू पीने खतरनाक हो जाएगा, पर उस जेल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लानत है, बुरी खबर। सेल्मा, सब ठीक है, मुझे सब मिल गया। मुझे इसके लिए धोखा दिया। अरे माँ, कितना सुंदर। आप मेरी दादी को देखना चाहती हो? फूल उसे पसंद थे, जैसा तुमने वादा किया था। देखो लोग कितने उत्साहित हैं कि साल में एक बार मैं तुम्हें अपने परिवार में देखूंगा। एक बिच्छू से बूढ़ी औरत ने उन्हें क्रम्स फेंक दिया, पर हम ऐसा करेंगे कि करीबी को ज्यादा हार नहीं माननी पड़ेगी। जल्दी, बहुत जल्द मेरी जान, मौत, हम फिर से मिलेंगे। परेशानी की तरह लग रहा है, पर तुम्हारा और मॉम का क्या? तो हम मर चुके हैं, तो फिर तुम्हें किस बात से डरते हो? यह कैसे बुरा हो सकता है? ओ, मेरे बेटे, और कैसे? आओ, जल्दी कीजिए। हो गया, खो गई आत्मा। वे जेल से भाग गए। उसके बाद किसी को भी इस प्रियजन को खोने का दर्द नहीं होता है, और जो पीड़ित हैं वो अपने प्रियजनों को फिर से हासिल करते हैं। पूरा पढ़ो। किमिल खोतें तन आनिम तन केश लाई तन नक्षम तनाबा येतेल अशुलुक चुतल इहिलु यायलांकि लु उयायागिल तेंतिक ता खोशमो ताशे तेला पेशान ओ बीम पुलिक अहोईलो कुष्टाल येतेल किमिले कुम एलिली बेर प्लेन यानाक कुम एलिली ओ रुकोमान नेती उखाहिन इन्हुन लगभग एंड में या,
क्या कर रहे हो? रुक जाओ। उसने तुम्हारी मॉम डैड को लूट लिया। न्याय का समय आ गया है। ये न्याय नहीं है, ये बदला है। मैंने जाना कि तुमने कैसे मौत को धोखा दिया तो मैंने कबूल किया कि मैं तुमसे जलती हूँ। मैंने इसे बेटर समझा। तुम्हारे लिए बूढ़ी औरत, हमारे पास अभी भी कुछ समय है। सावधान रहें, खोई हुई आत्माएं अपने प्रियजनों को भूलकर आजादी के लिए भाग गए। अब वो हमारी मदद से जीविका की दुनिया में जाने की कोशिश करेंगे। उनको संभाल नहीं पाते हैं। तुम उन्हें पाने मत दो। सही थी। ले लो पॉपाइट, इस प्रकार है। बचना चाहते हैं। उनके पीछे जॉर्गी, पेड्रो, रहने की दुनिया में अपना रास्ता बनाने से पहले उन्हें रोको। जॉर्ज, मुझे ये पसंद नहीं है। आओ ट्रेन को रोकने के बारे में सोचें। खींचो शैतान, आओ फेंको। वहां है। मैं रखूंगा। टावर कौन ले जाएगा? थैंक्स भाई। इंजन को जगह दो। मैंने सोचा कि अछूता रह गया। अच्छा मैं नहीं, आज आप उसके लिए भुगतान करने नहीं जा रहे हैं। उसकी मौत कैसे ला सकती है? बहुत समय से मैं इस सवाल पर हैरान हूँ और उसने सोचा कि ये असंभव है, पर तुम्हारी जगह मिल सकता है। और जब तुम सीमा पार करने के लिए आत्मा को पकड़ते हो तो रास्ता वापस चला जाएगा। हम तुम्हें सजा देते हैं और काल कोठरी में कैद किया जाता है अनंत। हम देखेंगे। हमने उन्हें लटका दिया है कि हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। वहाँ है, ले जाओ। तू तो गया। क्लास। Run out!
बस इतना ही, मैं इसे पासा खेलना कहता हूँ। जॉर्ज क्यों भाई, क्या कहते हो? मुझे लगता है ये बहुत बुरा हो गया। बुरा था? यह बहुत ही बुरा था। और बोला ना भाई, अगर तुमने अल्टर को नष्ट किया तो तुम अपने मॉम डैड को कभी नहीं देख पाओगी। बहुत हुआ जूड, इस रास्ते तो वापस नहीं लौटेंगे। और तुम्हारे दोस्तों का क्या? जॉर्ज, पेड्रो, पोर्टल को बंद करने से आप हमेशा के लिए उन्हें खो दोगे। आपकी वजह से वो हमेशा अंधेरे राज्य में रहेंगे। पेड्रो, जॉर्ज, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। चुप रहो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। काफी है, हमने इसे तुमसे मिलकर किया है। एक बार और सभी के लिए काम खत्म करो। शुरू से ही मुझसे बेशर्मी से झूठ बोला। तुम समझी नहीं? नहीं, मैं समझती हूँ और मैं तुम्हारे हौसले के खातिर जिंदगी का चक्र नहीं तोड़ूंगी। तुम क्या दूरदर्शी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अपने पैरों से ट्राई करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। समय समाप्त और गेंद खत्म। नहीं, उनके लिए यह एक गेंद पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे टॉय ट्रेन से खेल रहे हैं भाई। दूसरों का दर्द देखो, ऐसा कोई नहीं है जो इसे औरों से ज्यादा महसूस करता है। सहमत हो? तुम सुन रहे हो, अपने कर्मों का फल पाने का दिन आ गया है। तो आओ तुम। ठीक समय पे कोई नहीं। क्या तुमने कहा कि सेल्मा की मदद करेंगे यहाँ और आगे? आखिरकार हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। किस बारे में बात कर रहे हो भाई? हमेशा कस कर तुम्हारे पास आता है। मेरे जीवन में जो सबसे अच्छी बात हुई, अब यहाँ हमारा रोमांच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हो जाए। पेड्रो, नहीं, मुझे अल्टर पर रखो। सेल्मा, जॉर्ज, जिंदा हो?
मेरी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं उन मॉम डैड को खोजना चाहती थी जो नहीं जानते थे कि क्या। गम मत करो सेल्मा, हम पहले से ही जानते हैं कि तुम कौन हो। पेड्रो कहाँ है? पेड्रो। देखो के लिए कुछ भी नहीं। दादी, नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने सच छुपाया। शायद मैं ये सब बता देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम में से हर एक ने नुकसान का अनुभव किया। हाँ, सब ने प्रियजनों को खोया है, मालट ने भी। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक जिद्दी लड़की है। बदला जवाब नहीं है। मौत हमारे फेवरेट को नहीं छीनती है, पर वो उन्हें अमर बना देती है। हमारे दिमाग में वो हमेशा के लिए रहते हैं। सोफिया, भी नहीं था हमारी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और खूबसूरत लड़की बनेगी। हमारा दिल खुश हुआ बच्ची। हम कभी नहीं भूलेंगे कि आप हमें कितना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं कभी नहीं भूल सकती आप कितनी लकी हैं। आखिरकार तुम्हारे पास एक अद्भुत परिवार है। मुझे पता है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मम्मी, पापा, आई लव यू। करना, आप मेरा परिवार है, मेरी प्यारी छुटकी। महाशक्तिशाली फरसे वाली मॉम, मैं तुमसे विनती करता हूँ, घड़ी मत लो, इतना क्रूर मत बनो।
कैसे चुका सकते हैं? वल्चर्स केवल मरे लोगों के लिए डालते हैं, पर हम पेड्रो को तो देख सकते हैं। मुझे पता है ये। क्या हमने अपना काम कर दिया? एक साल बाद Let's see, where are the churros and tamales and mariachis? Let's get this party started! Yeah! It feels so good, baby, coming back to life. And it feels so good, baby, coming back to life. I can't call it back good, baby, coming back to life. And it feels so good, baby, coming back to life. And it feels so good. Coming back to life, again, coming back good, baby, coming
Come back to life and it feels so good.